वेरी गुड। अब देखो कितना अच्छा बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमारे लिए आई है स्पेशल पेशावर से बर्फ़ी। हमारे स्कूल में सब टीचर्स ने और हमने खाई है। सुबह सुबह हमने किया मुँह मीठा। उसके बाद जी मैं चली गई अपनी क्लासेस की जानब। मैंने कहा चलिए आज अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो ये छोटे बच्चों से तो वैसे मैं लेती रहती हूँ टेस्ट, बोर्ड टेस्ट भी और रिटन टेस्ट भी। तो आज फ्लैश कार्ड का टेस्ट था, तो चले बच्चों को देखते हैं कि बच्चों का कितना सेंस है वो उस फ्लैश कार्ड के में, जितने अल्फ़ाबेट्स उनको तरतीब वाइज लिख पाएंगे कि नहीं। मोस्टली बच्चों ने लिख लिया था और ये थोड़ा सा बच्चा प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता इसने कर लिया था। तो उसके बाद मैं आगे ऊपर और वहाँ से मैंने बच्चों का माशाल्लाह ये बच्चा भी काफ़ी अच्छा पढ़ रहा था। उसके बाद छुट्टी का टाइम जब हुआ तो उसके बाद छुट्टी के बाद मैं घर आई और बच्चों के लिए बनाए नूडल्स और फिर मैं सो गई थी। जब मैं उठी तो देखा 7, उफल्ला शाम के हो गए 7 और मैंने बनाना था खाना, तो इस वजह से मैंने फटाफट आ गई किचन में और मैंने सबसे पहले प्याज छीले और उसके बाद मैंने अदरक और लहसुन उसको छील के अच्छी तरह रखा, क्योंकि हमारा लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और साथ ही गैस का। ये मैंने हल्के से आलू बॉयल किए थे, बहुत ज़्यादा नहीं किए थे, हल्के से बॉयल कर लिए थे और उनको मैंने छील के और काट लिया। और ये जो हमारे चिकन बना हुआ था, पहले हमने बना लिया था चिकन, थोड़ा सा रह गया तो हमने फ्रिज में रख लिया था, तो इसको मैंने फ्रीज़ हुआ था पानी में डाल दिया था कि इसमें बर्फ़ जितनी थी वो पिघल जाए। और उसके बाद हमने लहसुन अदरक को मैंने कहा इसका बना लें पेस्ट। और ये जो दो टमाटर अकलौते तो नहीं कहेंगे, दो टमाटर हमारे रह गए थे और मैंने इन्हीं को काट दिया। वैसे मैं टमाटर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैं बना रही हूँ। इनको अच्छी तरह इनका कचूमर निकालें, आज ये मेरे हाथों से नहीं बच पाएंगे इनका। मैं ऐसी इनकी कुटाई लगाऊंगी ना, याद रखेंगी। तो फिर हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं तैयार। ये टमाटर, हल्दी, नमक और ये नमक जी हमारा और ये चिकन क्यूब, और इसके अलावा ये हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज कटी हुई और ये जो आलू बॉयल किए थे हल्के से, और ये हमारा मेन इन्ग्रीडियंट्स है मिंट, और ये हमारा चिकन मिंट। आज हम बना चुके हैं मिंट चिकन और बहुत ही मज़े और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, और आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीनन 100% आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद ना आए तो एक दफ़ा फिर ट्राई कर लीजिएगा यार, दोबारा कर लीजिएगा, पसंद आ जाएगा दोबारा भी ना पसंद है फिर तीसरी दफ़ा कीजिएगा। जो चीज़ पसंद आए ना उसको बार बार ट्राई करें, खाएं, वो आपको पसंद आना शुरू हो जाती है। और वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक दफ़ा ही आप ट्राई करेंगे तो आपको पसंद आ जाएगा, तो बहुत मज़े का बनता है। और इसमें जो मिंट का फ्लेवर आता है ना, वाओ ज़बरदस्त। भैया आप अपनी और क्या तारीफ़ करूँ, आप ख़ुद एक दफ़ा ये इसको देखिएगा पूरा और ख़ुद घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। आपको मेरे ब्लॉग के साथ साथ नई नई रेसिपीज़ भी मिलेंगी ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। चलिए जी अब चलते हैं अपने किचन में जो हम बना रहे हैं सालन, इसकी तरफ। अब तो वजह थोड़ी यहाँ होनी चाहिए। तो इसमें मैंने डाल दिए थे आलू, पहले चिकन को किया मैंने अच्छी तरह फ्राई और उसके बाद मैंने आलू डाल दिए जो हल्के हमने पहले कर लिए थे बॉयल, क्योंकि इतने मोटे आलू एकदम गलते नहीं हैं। और इसमें लहसुन अदरक का जा रहा है पेस्ट, उसको मैंने पहले नहीं डाला क्योंकि पहले लहसुन अदरक का पेस्ट अगर हम बना लें उसको ब्राउन हो जाता है तो उसमें ना वो जो स्मेल सी चिकन की वो नहीं जाती, तो हम ये ऊपर से डालेंगे। इससे जायका भी बहुत अच्छा होता है और एक जो फ्लेवर आता है वो भी टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है और इसमें चिकन की स्मेल भी नहीं आती। और फिर ये जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स, हमने टमाटर और हमने डाल दिया मिंट, और उसके बाद ये जो हमारे पास हरी प्याज थी इसको भी मैंने काट कर डाल दिया। अब इसको हम अच्छी तरह करेंगे भुनाई, क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी भुनाई में पहले भी हो चुका था, गल चुका था, और ये जो हमने आलू काटे थे और ये भी इनको हमने पहले बॉयल कर लिया था हल्का सा, क्योंकि हमने इस तरह करते हुए चिकन तो गल जाता है आधा लेकिन आलू नहीं होते गलते, तो इस वजह से हमने पहले इसको थोड़ा सा कर लिया था बॉयल कि ये गले में होंगे तो हम हमारी बुनाई में ये हो जाएंगे तैयार। तो बस इसको मैं अब रखूँगी दम पे और ये हमारे जी हो गई है मिंट चिकन कढ़ाई तैयार, जो देखने भी बहुत मज़े के और खाने भी बहुत मज़े के।
और आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी और ज़रूर करिएगा ट्राई। इसमें मैंने कोई मिर्ची नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाली, और नमकीन है और मिंट का फ्लेवर है इसमें बहुत ज़बरदस्त। और ये जी पड़ा हुआ था वाटरमेलन, तो मैंने कहा इसको क्यों जाने, तो वो खाया। और उसके बाद हमारे आगे चावल, जिस दिन को मी ने बनाया तो मुझे बहुत ज़्यादा लग गई भूख, देख के रहा नहीं करता, मैंने वर्म गर्म किया और फटाफट खा लिया। और इसके बाद जी बच्चों की ये एब्सेंट वर्क था बहुत ज़्यादा, तो बच्चों ने जो करना था कंप्लीट। तो अब इनकी आई हुई थी आज शामत, तो इनको लाले पड़े हुए थे बार बार, मम्मा नहीं हो रहा, ये ख़राब हो रहा है, ये ऐसे हो रहा, तो मैंने कहा इसको करो कंप्लीट। और ये बहुत एब्सेंट वर्क था, मेरे टीचर की इनकी कॉल आई हुई थी कि इनके एब्सेंट वर्क इतने ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुए, तो मैंने इनके ऊपर लिख देना नॉट डन। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो मैंने कहा इंशाल्लाह तीन चार दिन का जो भी एब्सेंट वर्क है, ये पिछले मंथ का जो भी है, इनको मैं फटाफट करवाऊंगी क्लियर। और आज मैं बैठ गई तो मैंने आज ठान ली, मैंने कहा जितने भी एब्सेंट वर्क है ना आज तो मैंने कंप्लीट करके दूंगी, चाहे रात की हो जाए दस। और उधर से मैंने रोला डाला था कि तुम इनको लेके बैठ गई और रोटियां डाल लो जल्दी जल्दी क्योंकि लाइट चली जाएगी। तो मैंने कहा मियाँ लाइट नहीं जाएगी, तो अम्मी कहीं चली जाएगी, तो मुझे फिर भी थोड़ा सा हुआ डाउट, मैंने कहा क्या पता लाइट चली जाए तो फिर क्या करेंगे। तो हम तंदूर से भी रोटी नहीं मंगवा सकते थे क्योंकि तंदूर हमारे हो जाते हैं 10 बजे बंद। तो वैसे हमारे गाँव में तंदूर की सहूलत भी है जी, हम तो तंदूर से भी रोटियाँ कभी कभी मंगवा लेते हैं। फिर मैं आगे किचन की तरफ बच्चों को काम करवा कर फिर मैंने बनाई रोटियाँ, तवे फिर डाली, मैंने कहा फटाफट बन जाएगी। और अम्मी ने कहा आज तरह घी वाली रोटियाँ बनाना, वैसे हम दिन और या रात के तब घी वाली रोटी खाने नहीं होती, लेकिन आज अम्मी दिल से तो मैंने बना ली। और फिर उसके बाद हम खाने से खा फारूक और ये बर्तन पड़े हुए थे, मैं धो रही थी, इतने ढेर सारे बर्तन आप कह रहे होंगे ये रात के इतने बर्तन हो गए तो थे कितने बंदे, लेकिन ये रात के भी नहीं थे व्यूअर्स, ये दिन के भी बर्तन थे क्योंकि मैं स्कूल से आती बच्चों को नूडल्स बना के सो गई थी, उस दिन को मैंने धोने थे ये बर्तन तो मैं नहीं धो पाई, और लेकिन मैं बचती कैसे, अब धोने तो थे, अगर आज भी छोड़ देती तो सुबह डबल हो जाते, उफ़ल्ला ये मैं रिस्क नहीं ले सकती थी, इस वजह से मैंने रात को ही धोए बर्तन। उसके बाद जी हमने बना लिया अपना बिस्तरा बाहर, आज हमारा प्रोग्राम था बैठ सोने का, तो इस वजह से हमने पंखा वगैरह लगा के बाहर अपना बिस्तरा बनाया। वैसे हम रूम में सोते थे, फिर रूम से थोड़ी गर्मी हुई तो बरामदे में आ गए, बरामदे से अब हम आगे बाहर सीधा, तो यहाँ पर मैंने अपना बनाया बिस्तरा और बच्चों को लटाया पीछे क्योंकि हवा तेज़ होती है और रात को फिर बच्चों को नज़ला ज़ुकाम लग जाता है, ठंड लगती है, तो इस वजह से मैं अल्लाह हाफिज़ ब्लॉग एंड करती हूँ। Bye-bye.